वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। मित्रों, हमने कहा था माफिया से मुक्ति दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। हजारों करोड़ रुपया की सरकारी संपत्ति ये माफिया कब्जा कर बैठ गए थे। बड़े दमखम के साथ सभी कानूनी अड़चनों को पार कर योगी सरकार ने इसको खाली कराने का काम किया है, और वो संपत्ति आज उत्तर प्रदेश की जनता की संपत्ति है। मित्रों, हमने कहा था कि गौ हत्या पर कड़ाई करेंगे। मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि जो अवैध कत्लखाने चलते थे उसको बंद कराने का काम योगी सरकार ने कर आज प्रदेश के अंदर एक प्रकार से कानून का शासन लाने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में अभी मैं अखिलेश जी का शासन भाषण सुन रहा था, टीवी पर चल रहा था कि अपराध बढ़ गया है। अखिलेश जी, कहां से चश्मा लाए हो? किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है, 70%। लूट हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है, हत्या में 30% की कमी हुई है, बलवा में 33% की कमी हुई है, और दहेज के मृत्यु में 22.5% की कमी हुई है। जरा घर जाकर आंकड़े खंगाल दो अखिलेश जी। आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर एक जमाना था, दंगे होते थे, युवा मारे जाते थे, दिनों तक कर्फ्यू रहता था, और एक तरफा केस करने की प्रवृत्ति होती थी। आज दंगे उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज।